हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान की फेमस खाटे वाली राबड़ी। तो चलो हम बनाते हैं खाटे वाली राबड़ी। इसके लिए हम लेंगे 100 ग्राम बाजरे का आटा, 100 ml के लगभग हम लेंगे इसमें छाछ। जिस छाछ को हम पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, आटे को पहले हम देखेंगे आटा बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। आटे के हमें आटा में गाढ़ा चाहिए। इस तरीके से हम इसको लगातार मिक्स करते रहेंगे लगभग 2 या 3 मिनट तक, तो आटा अपने आप इसमें पतला हो जाएगा। अब देखिए हमारा आटा कितना गाढ़ा था, देखिए अब कितना पतला हो गया है। अगर आप इसको हाथ से मिक्स नहीं करना चाहते हो तो विस्क की सहायता से आप इस तरीके से इसको लगातार चलाते हुए मिक्स कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे 2 लीटर पानी, जिसको पानी को हम बहुत सारा ऊपर उठा के फिर इसमें पानी डालेंगे ताकि इसमें बबल्स बन जाए। और इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे तो साइड में जो आटा चिपका है उसको भी हटा के और पानी में डाल देंगे। अब इसको हम ढक के जहाँ पे अपने घर में धूप आ रही है वहाँ पे हम 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। अभी देखिए हमारा खाटा जो होता है राजस्थान में हम बोलते हैं आवट के तैयार हो गया है। अब इसको हम छानेंगे और धीरे धीरे से हम इसको छानते रहेंगे ताकि जो आटा नीचे जमा हुआ है वो पानी के अंदर नहीं आए। जो ये आटा है नीचे वाला, ये इस पानी में नहीं आना चाहिए। इस तरीके से हम पूरे पानी को छान लेंगे, इस आटे को इसी भगोने में रहने देंगे। अब इसको गैस फुल करके गरम होने के लिए रख देंगे। अब इसमें मैं डाली हूँ 1.5 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसको हम कवर करके गरम होने देंगे। अब इसमें देखिए अच्छे तरीके से उबाल आ गया है। इस आटे को मिक्स करेंगे हम। फिर इस तरीके से हम लगातार चलाते हुए इसको मिक्स करते रहेंगे। देखिए देखिए धीरे धीरे गाढ़ी होने लग जाएगी हमारी राबड़ी। जब थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो इसमें हम छाछ मिक्स कर देंगे। अब ये सही है तो इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा 1 चम्मच। ये हमारी राबड़ी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी राबड़ी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।